हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल को लाइव में। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर को लेकर। ऑथेंटिकेटर को लेकर बात इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऑथेंटिकेटर जो है लॉस्ट हो जाते हैं, और हम बात करेंगे कि आप इन तीन चीज़ों को करके आप अपने ऑथेंटिकेटर को जो है लॉस होने से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं प्रोसेस को और समझ लेते हैं कि हम अपने ऑथेंटिकेटर जो लॉस करते हैं किसी कारण से, तो जो हम जिसको जिस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं, हम उसी के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तीन तरीका है जिसमें से हम अपने ऑथेंटिकेटर को सेव रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से ज्वाइन होने के लिए इन सारे लिंकों पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम ऑथेंटिकेटर को पहले एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो, चाहे बाइनेंस हो, कहीं पर भी हो, जब भी आप ऑथेंटिकेटर को इनेबल करते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये इनेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए आपको इनेबल के ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, और देख सकते हो यहाँ पे जो आपको बैकअप की दिया जा रहा है, बैकअप की उसके साथ क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो, नहीं तो ये जो कोड आपको दिया जा रहा है, जो ये की आपको दिया जा रहा है, इसको डेफिनेटली सेव करके रखिए कोई सेफ जगह में, या फिर किसी डायरी में आप लिख के रख लीजिए, जो कि आपको इस टाइम जब भी आप अपना मोबाइल लॉस्ट कर जाते हो, या फिर आप अपना मोबाइल में कुछ भी हो जाता है, तो दूसरे मोबाइल में आप अगर इसको ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए ये की आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि थ्रू आप अपना गूगल ऑथेंटिकेटर में नेक्स्ट OTP जो है तो उसी मोबाइल पर आ जाएगा। और साथ में QR कोड को भी रखना चाहते हो तो इसको आपको स्क्रीनशॉट करके रखना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों हमारा पहला तरीका। और दोस्तों, हम यहाँ पे अपना दूसरा तरीका देख लेते हैं कि हम दूसरे तरीके से हम अपने ऑथेंटिकेटर को किस तरीके से सेव रख सकते हैं। सो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे तरीके को। तो जिस तरीके से हम अपने नेक्स्ट तरीके से अपना की को कैसे सेव रख सकते हैं, तो जैसे ही आप दोस्तों ऑथेंटिकेटर को ऐड करते हो, ये ऑथेंटिकेटर है, तो यहाँ पे आप जो भी आप अकाउंट का, जैसे कि मान लीजिए ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट करके रखे हो, सो इसके ऊपर कभी भी टैप करके ये जो रिमूव बटन है इसको कभी क्लिक मत करना, क्योंकि इसको क्लिक करने से ही दोस्तों ये रिमूव हो जाएगा और आप जो है नेक्स्ट टाइम से की आप नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप इस रिमूव वाले ऑप्शन पे जाते हो, तो आपका ये जो ऑथेंटिकेटर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर का जो है वो डिसेबल कर दिया हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको परमिशन भी मांग रहा है, तो आप जैसे रिमूव अकाउंट कर देते हो, तो अकाउंट देख सकते हो ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आप जैसे इसको रिमूव कर देते हो, तो अपना नेक्स्ट टाइम से जो है ऑथेंटिकेटर की आपको नहीं मिलेगा, ये जो कोड आ रहा है यहाँ पे, ये कोड आपको नहीं मिलेगा, तो आप दोबारा से जो है अपने अकाउंट को लॉगिन भी नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, तीसरा चीज़ आपको जो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, वो है आपका फ़ोन को रीसेट करना। जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन को रीसेट करते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जो रीसेट वाला ऑप्शन है, रीसेट करने से पहले आपका जो ऑथेंटिकेटर है उसको डिसेबल ज़रूर कर ले, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेटर आपने जो डाउनलोड किया है ये सॉफ्टवेयर पूरा यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा, और आपका जितना भी की है यहाँ पर, तो जितना भी की मिलता है वो सभी यहाँ से जो है गायब हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करोगे तो भी वो दोबारा नहीं आएगा,
वो दोबारा आएगा दोस्तों जब भी आप की डालोगे। तो जब भी आप फ़ोन को रीसेट करते हो तो डेफिनेटली गूगल ऑथेंटिकेट का जो है उसको डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कि हमने डिसेबल कर दिया है तब भी यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है, तो यहाँ पे जब भी इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन दिखाएगा। कोई भी वेबसाइट में जाइए तो वहाँ पे जब भी आप फ़ोन को रीसेट करते हो तो अपने जो ऑथेंटिकेटर है उसको डेफिनेटली अपना जो है डिसेबल कर दीजिए। सो दोस्तों ये था अपना तीन तरीका जैसे कि आप अपना ऑथेंटिकेटर को सेव रख सकते हो। और दोस्तों और एक तरीका जो मैं बताना चाहूँगा, ये कोई तरीका नहीं है, बाकी जो आप की दोस्तों सेव कर रहे हो जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर का या फिर कोई भी आपके जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो आप अपने ड्राइव जो फोल्डर है गूगल का, तो यहाँ पर देख सकते हो जो ड्राइव फोल्डर है आपको फ़ोन में भी मिल जाएगा। आपको मैं फ़ोन में भी दिखा देता हूँ, फोन पे यहाँ पे देख सकते हो ये जो ड्राइव का फोल्डर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको स्टोर करके रख दीजिए। जब भी आप की को स्टोर करके रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, तो मेरा जितना भी ऑथेंटिकेटर की है वो सभी की यहाँ पे मैंने लोड करके रखा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जो है मुझे ढूंढने में आसानी हो। और हम कहीं पे भी सेव करके रखते हैं फिर वहाँ से डिलीट हो जाते हैं, आप अपने सिस्टम में रखते हो अपने मोबाइल में रखते हो तो डिलीट हो जाते हैं तो उसमें दिक्कत ज़्यादा रहता है, लेकिन आप अगर ड्राइव में सेव करके रखते हो तो उसको डिलीट होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। सो दोस्तों ये था हमारा कुछ ट्रिक्स, और जैसे कि आप अपने ऑथेंटिकेटर को सेव रखना चाहते हो ताकि आपकी जो भी अकाउंट है वो सिक्योर रहे, तो इसके लिए आप ये तीन चार स्टेप उठा सकते हो। और ट्रिक्स अगर अपना फ़ोन लॉस हो जाए तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी अगर फ़ोन लॉस नहीं होता है फिर भी लोगों का ये सारे दिक्कत होता है कि अपना कोई फिर लॉस कर जाता है, अपना की को सेफ नहीं रखता है, अपने मोबाइल को रीसेट करने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं देखता है और कई बार तो ऑथेंटिकेट को ही डिलीट कर देता है या फिर रिमूव कर देता है, तो इस कारण जो है उनका नेक्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करने से दिक्कत हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आता है डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।